नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है डीएनए की संरचना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तीन बातें कौन कौन सी। सबसे पहले डीएनए क्या है, डीएनए की संरचना किस प्रकार की होती है, वाटसन और क्रिक मॉडल देखेंगे, साथ ही हम जानेंगे डीएनए के कार्य। डीएनए की संरचना हम बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम जानते हैं डीएनए क्या है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बने हुए दीर्घ अणु होते हैं, जो गुणसूत्र के रूप में केंद्रक में पाए जाते हैं तथा अनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित करने के साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। भाई डीएनए क्या बने होते हैं, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बने हुए दीर्घ अणु होते हैं, जो गुणसूत्र के रूप में केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं तथा अनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित करने के साथ साथ यहां अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। भाई अनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित करने का कार्य, भाई डीएनए का ही एक भाग जीन कहलाता है और जीन जो है अनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित करने का कार्य करता है। दोस्तों, अब चलिए देखते हैं डीएनए की संरचना। बहुत ही सिंपल तरीके से हम डीएनए की संरचना देखेंगे। अगर हम डीएनए की संरचना देखें तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि डीएनए जो है वो द्विसूत्री होता है। वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए का जो मॉडल प्रस्तुत किया गया वो डबल हेलिक्स मॉडल था और इस मॉडल में ये बताया गया है कि डीएनए जो है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, जो एक दूसरे के प्रति समांतर स्थित होते हैं। तो चलिए देखें जरा संरचना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैं जो एक दूसरे के प्रति समांतर स्थित हैं। यदि हम एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के एक सिरे पर हम 3N लिखें तो दूसरे सिरे पर क्या होगा भाई, दूसरे सिरे पर होगा 5N। तो उसके जस्ट अपोजिट की अगर हम बात करें, तो 3N है तो इस साइड में कौन सा इंड हो जाएगा, ये 5N हो जाएगा। वहीं पर दूसरे तरफ की बात करें तो ये हो जाएगा इसके अपोजिट 3N। डीएनए की एक हेलिक्स की जो लंबाई है, एक हेलिक्स का जो कहना चाहिए लंबाई है, वह लंबाई लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है और इस 34 एंगस्ट्रॉम में 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं, जो जिनमें से केवल 8 दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से हमने नाइट्रोजन बेस को बना लिया है। नाइट्रोजन बेस की अगर हम बात करें तो यहां पर आप लिख सकते हैं एडेनिन, एडेनिन के साथ थायमिन रहता है, यहां पर ग्वानिन, तो साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन, एडेसिन, एडेनिन, एडेनिन, थायमिन, थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, कुछ भी आप यहां पर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। दो नाइट्रोजन बेस के बीच की जो दूरी है वह दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। भाई 10 नाइट्रोजन बेस है तो आप देख लीजिए एक हेलिक्स की लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी, 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। डीएनए के व्यास की अगर हम बात करें तो डीएनए का व्यास जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसी प्रकार से हम एक इस तरफ लिख सकते हैं मेजर एक्सिस और दूसरे तरफ हम लिख सकते हैं माइनर एक्सिस। दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि डीएनए की जो संरचना है बहुत ही सिंपल सी संरचना है। हमने क्या देखा कि डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना हुआ है और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के प्रति समांतर है। डीएनए का जो व्यास है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि डीएनए के एक हेलिक्स की जो लंबाई जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसमें 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं और इन 10 नाइट्रोजन बेस में से केवल 8 नाइट्रोजन बेस हमको दिखाई देते हैं।
दो नाइट्रोजन बेस के बीच की जो दूरी है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सिंपल सी डीएनए की जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है। चलिए अब हम देखते हैं डीएनए के कार्य। अगर हम डीएनए के कार्य की बात करें तो बहुत ही सिंपल से इसी परिभाषा में बहुत सारे जो कार्य हैं वो दिए हुए हैं। हम यहीं पर कार्य को देखते हैं। सबसे पहला कार्य देखते हैं, यह आनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित करने का कार्य करता है। यह सबसे पहला कार्य क्या होगा भाई, यह आनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित करने का कार्य करता है, निर्धारित करने का कार्य करता है। भाई आनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित कौन करता है, जीन करता है। और जीन किसका बना होता है, डीएनए का एक भाग क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। इस कारण से हमने क्या लिखा कि यहां आनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित करने का कार्य करता है। दूसरा कार्य की देखे, यहां आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। यहां आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम देखें, अगर हम तीसरे कार्य की बात करते हैं तो यहां प्रोटीन सिंथेसिस का रेगुलेशन करता है। यहां प्रोटीन सिंथेसिस का रेगुलेशन करता है। अगर हम चौथे कार्य की तरफ बात करें, यहां जीवों के जैविक लक्षणों को या ये कह सकते हैं जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि डीएनए क्या है, डीएनए की संरचना क्या होती है और डीएनए के कार्य क्या होते हैं। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो है और बहुत ही संक्षिप्त है, परंतु बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अतः यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एवं मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।